कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए मानव जायसवाल हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जयवीर शेरगिल हैं। हमारे साथ राधिका खेड़ा होंगी, अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस पार्टी का वो पक्ष रखेंगी। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए घनश्याम तिवारी हमारे साथ, और प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। माधव आनंद जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला कॉमेंट मैं यहाँ पर माधव आनंद आपका चाहती हूँ, राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर, क्या विपक्ष को राहुल गांधी का नेतृत्व कबूल है? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन नेतृत्व प्रदान करेगा, यह तो मुझे लगता है कि अभी इस पे चर्चा नहीं हुई है। हाँ, लेकिन हम सब लोगों का मकसद एक ही है कि तमाम जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, जो बीजेपी की जो है सो विचारधारा से, अपनी विचारधारा का जो है सो मतभिन्न समझते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आवे। और इसके लिए लगातार हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो है सो पहल की है कि जितने भी लोग हैं सब आपसी मतभेद को भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पे आवे और 2024 की चुनाव की तैयारी हम लोग करें। अब कांग्रेस के बिना तो कोई फ्रंट बन नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस भारतवर्ष की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस का हर जगह संगठन है। इसमें मुझे कहने में कहीं कोई हिचकिचाहट और किसी को भी हिचकिचाहट नहीं हो सकती है। अब जहां तक बात है कि विपक्षी जब तक एकजुट नहीं होंगे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनेगा, जो आदरणीय राहुल गांधी जी भी आज कह रहे थे कि एक नीति की आवश्यकता है और उस नीति के बैनर तले, उस अम्ब्रेला के बैनर तले तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आवे, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी जैसो सत्ता में जैसो नहीं रहेगी 2024 में। इस बात की उन्होंने जैसो बात नहीं, लेकिन जो मेरा सवाल था आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, मैं आपसे नेतृत्व की बात कर रही हूँ। आपने कहा विपक्ष को एक साथ आना होगा, विपक्ष को एक साथ आना होगा, लेकिन राहुल गांधी के चेहरे की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, कमलनाथ कर रहे हैं, आप उस चेहरे के लिए तैयार हैं? मेरा सवाल ये, प्लीज इस सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे। देखिए, अब चेहरा कौन होगा इस पे तो अभी कुछ कहना मुझे लगता है मेरे लिए उचित नहीं है। और जहां तक कांग्रेस की, हर पार्टी के नेता चाहता है कि उनके जो सर्वोच्च नेता है वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करें, इसमें कोई नई बात नहीं। आदरणीय कमलनाथ जी ने अगर इन बातों का जिक्र किया तो स्वाभाविक है, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मैं भी चाहता हूं कि भाई मेरे पार्टी के सर्वे सर्वा आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं तो वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तमाम अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के भी कार्यकर्ता चाहेंगे कि उनके नेता प्रधानमंत्री पद बने जाए, प्रधानमंत्री पद नहीं। लेकिन आपकी पार्टी के नीतीश कुमार तो कह चुके हैं कि वो पीएम पद की रेस में है नहीं ना। नीतीश कुमार जी कह चुके हैं कि वो तो पीएम पद की रेस में है नहीं। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं कि हर कार्यकर्ता चाहता है कि उनका नेता जो है सर्वोच्च। ठीक है, चलिए मुझे एक कमेंट यहां पे जल्दी से मानव जायसवाल का लेने दीजिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। अभी यही बात कह रहे थे थोड़ी देर पहले जो शाहनवाज हुसैन कह रहे थे, वो यही कह रहे थे कि इनमें तो हर कोई ही प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हर रीजनल पार्टी का मुखिया भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, इसीलिए विपक्ष का एक साथ आना मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। मानव जायसवाल, आपका जवाब। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है मैडम, और आपके माध्यम से पूरे देश को, और आज जिस तरीके से देश जागरूक है, नमस्कार, ये दिखा रहा है कि बीजेपी किस तरीके से पिछड़ी हुई है, और जो लड़ाई है वो देश वर्सेस बीजेपी की है। हमारे जो नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने संघर्ष किया और 35 साल की क्रूर सरकार को नेस्तनाबूद कर दिया। आज भाजपा उसी रास्ते पर चल चुकी है, फरमान जारी करते हैं, तुगलकी फरमान हो जाता है कि भैया लॉकडाउन कर दो, मन में आया नोटबंदी कर दो, मन में है जिस तरीके से अलग अलग तरीके से जीएसटी डाल दो, हजारों तरीके के उसमें संशोधन कर दो। साथ ही साथ जब पार्लियामेंट की बात होती है तो भैया राज्यसभा के जो सेशन है वो हर सेशन आप देख लीजिए, पिछले 8-10 सेशनों में 6 दिन 7 दिन 10 दिन पहले ये लोग खत्म कर देते हैं, ये बात को सुनना ही नहीं चाहते, अब देश को बताना ही नहीं चाहते। साथ ही साथ कोई भी मुद्दा, मानव जायसवाल जो मेरा सवाल है मैं रिपीट कर देती हूँ, मानव जायसवाल मैं आपके लिए अपना जो सवाल है वो रिपीट कर देती हूँ, क्या विपक्ष एक मंच पर आने के लिए तैयार है राहुल गांधी के नेतृत्व में? क्या ममता बनर्जी को राहुल गांधी की लीडरशिप, उनका नेतृत्व कबूल है? मैडम, अब इसको मैं दो संदर्भ में आपको बात बताना चाहता हूं। पहली बात, निश्चित रूप से हमारे जो मित्र है जेडीयू के, उन्होंने बताया और मैं बार बार, मैंने भी ये बोला है कि निश्चित रूप से कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता हर बूथ में, ये सच्चा है, सच है। लेकिन जो फलक्रम होता है ना, जो वेटेज होता है, वो आज कांग्रेस के पास नहीं है। क्यों नहीं है? कि शायद उनके नेतृत्व की वजह से आज भारत जोड़ा जाता है, ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। लेकिन आज आपके सामने जो लीडर है वो नरेंद्र मोदी है, ये एक इंडिविजुअल की लड़ाई है। साथ ही साथ जिस तरीके से भाजपा है, उनका एक मिशन है, वो इलेक्शन को एक मिशन की तरह लेती है।
वो देश को एक मिशन की तरह लेके चलती है। उनका मिशन है हमको किसी भी तरीके से देश को काबिज करना, हर चीज को पकड़ लेना, हर जगह सत्ता काबिज करना, ये उनका मिशन है। लेकिन यह जो लड़ाई हो रही है मैडम, आज देखिए किस तरीके से 2021 में इन्होंने मुंह की खाई। कौन नहीं था बंगाल में, किसने इनको पछाड़ा, आज पूरी पूरा देश जानता है कि सुशील ममता बनर्जी। तो आपकी बात से मैं ये समझूं, जस्ट फॉर क्लैरिटी कि टीएमसी को राहुल गांधी का नेतृत्व मंजूर नहीं होगा, राइट? मैडम देखिए, आज के वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से चल रहा है, आज के डेट में कोई लीडरशिप फेस नहीं चाहिए ऑपोजिशन को। और जिस तरीके से मैंने पहले भी बोला है, आज देश में जो रीजनल पार्टियां हैं, सबसे पहले जो देश है, जैसे कोई बोलता है ना कि क्या आइडियोलॉजी एक ही है कि जनता की सेवा करना, और हर प्रांत की अपनी 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 विविधाभास होती है, अपनी अपनी जरूरतें होती है, और वो हर प्रांत को लेकर चल रहा है। नहीं, मैं हम चाहते हैं ये जो रीजनल पार्टियां हैं, प्रधानमंत्री पद की रेस में विपक्ष के चेहरे को लेकर सवाल पूछ रही हूँ। चले इस पे मैं जवाब लेती हूँ, हमारे साथ राधिका खेड़ा जी हैं कांग्रेस पार्टी से। राधिका जी, आपने सुन लिया मानव जायसवाल राहुल गांधी के नाम पर हामी भरने के लिए तैयार दिखाई नहीं दिए। उन्होंने ये कहा कि रीजनल पार्टीज की अपनी एक अहमियत है, हर रीजन की, हर प्रदेश की अपनी एम्बिशन है, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। सबसे पहले तो अदिति, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी, सबसे पहले तो अदिति जी, सभी को, आपके दर्शकों को, आपको, सभी पैनलिस्ट को पहले ही नए साल की शुभकामनाएं। दूसरी बात, यहाँ पे जो ये बहुत, बात बहुत शुक्रिया, और आपको भी। अब ये जो बात कही जा रही है कि इसको राहुल जी का नेतृत्व अभी एक्सेप्टेबल है कि नहीं, अगर आप राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की देखेंगे तो उन्होंने एक ही बात कही कि सबको, जो जितनी भी ऑपोजिशन है, सबका एक ही मकसद है कि भारत जुड़ा रहे, भारत में नफरत ना हो, प्रेम हो, भारत में बेरोजगारी ना हो, भारत में भाईचारा बना रहे, क्योंकि हम अंदर से यूनाइटेड होंगे तभी बाहर का कोई भी देश हमारा फायदा नहीं उठा सकता। और उनका ये भी कहना था कि वो भी मानते हैं, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, या कोई भी अन्य पार्टी हो, कोई भी नफरत नहीं चाहता और कोई भी टूटा हुआ भारत नहीं चाहता। अब आती है बात की क्या राहुल जी चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, तो मुझे लगता है उसके लिए अभी समय है, और ये अभी ना मौका है ना अभी वो प्लेटफॉर्म है। और ये अगर कोई कौन लीडर रहेगा, क्या सारी विपक्ष एकजुट आएगी नहीं आएगी, ये सारी पार्टी मिलकर तय कर लेंगी, और उसके लिए अभी बहुत समय है। लेकिन अभी सब अपने अपने प्रदेशों में, क्योंकि सबकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज है, और जैसा उन्होंने बताया कि जो समाजवादी पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी है, पर वो कर्नाटक में नहीं लागू होती, वो कहीं और नहीं लागू होती। जैसे टीएमसी है, टीएमसी बंगाल में उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल फिट बैठ रही है, लेकिन वही उनको गोवा हो या कोई और प्रदेश हो, उनको क्या वहां की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया? कांग्रेस पार्टी एक, लेकिन राधिका जी, राहुल गांधी ने आज क्या कहा? ठीक है, आप जरा सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा और क्यों मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, जरा सुनिए। मैं ऑपोजिशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और ऑपोजिशन के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजिशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा, ठीक है? तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। मगर हमारा रोल यह भी है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें और उनकी रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब वो भी हमारी करें, हम भी उनके करें।